सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में उपचुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का पिटारा राजस्थान सरकार की ओर से खोल दिया गया है। कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने जय निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन करके बताया कि राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए सुजानगढ़ के छापर रोड पर स्थित सम्राट होटल के पास रेलवे ओवरब्रिज बनवाने के लिए 65 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें से केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय करीब 20 करोड़ रुपए वहन करेगा। वहीं नलियावास रेल फाटक संख्या 3 पर रेलवे अंडरब्रिज की स्वीकृति के लिए भी राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसी स्वीकृति पत्र में विधानसभा क्षेत्र की अनेक सड़कों के लिए भी स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से 13 करोड़ के विकास कार्यों को शहर में हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस कोरी ने बताया कि 13 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जल्द ही शहर में शुरू हो जाएंगे और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्र मुख्यमंत्री के दिल में बसता है, इसलिए यहाँ की जनता को बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात उन्होंने प्रदान की है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उपसभापति अमित मारोठिया, प्रदीप तोदी, बाबूलाल कुलदीप, सविता राठी, इकबाल खान, जाकिर क्याल, राम नारायण प्रजापत, मुकुल मिश्रा, जवाहर भुट्टा, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, चुनाव प्रभारी डूंगर राम गेदर, मधु बागरेचा, विजय प्रकाश बागरेचा, दिनेश पिपलवा, घनश्यामनाथ कछवा, मनवर खां, बिलाल भुरान, इस्माइल खान, लियाकत अली सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। दूसरी ओर एडवोकेट मनोज मेघवाल ने विस्तारित रूप से हाल ही में स्वीकृत किए गए विकास कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए सुजानगढ़ शहर की जनता और विधानसभा क्षेत्र की जनता को बधाइयां दी। सुजानगढ़ तहसील भी है, उसमें उनके हर गांव में हर घर में कनेक्शन लगेगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाएं उनके मन में थी, जिसमें से मुझे कुछ योजनाओं का पता चला। उसमें एक योजना ये थी कि छापर रोड पर सम्राट हॉस्टल के पास एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए, ताकि आवागमन में जो दिक्कत हो रही है, पिछले बजट में वो घोषणा नहीं करा सके थे इसकी, पर मेरे को ध्यान में था कि उन्होंने वो प्रस्ताव रखा। तो जब मैंने नगर निकाय के लिए भेजा तो उनके साथ ये 2-3 बड़े प्रस्ताव भी भेजे, कुछ सड़कें को भी भेजे, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि इनके 2 भागों में डिवाइड करो, जो नगर निकाय से संबंधित है उनको अलग करो और जो PWD से काम होने वाले हैं, शहर के बाहर के हैं, उनके अलग लिस्ट बना को वहाँ में भिजवाओ। तो दूसरे दिन हमने उसकी 2 लिस्ट बनाई, जिसमें से एक लिस्ट थी कि जिसमें सारे काम सुजानगढ़ शहर के होने थे, और दूसरी लिस्ट में वो काम थे जैसे में कुछ सड़कें थी, कुछ और बाहर के नवीनीकरण के काम थे सड़कों के, और उसमें से 2 ये काम थे, एक सम्राट होटल के पास ओवर ब्रिज का, और उसमें मैंने लिखाया कि हमारे 4 फाटक हैं, 1 से 4 फाटक जिसमें भी सुविधा रहे उसमें अंडरब्रिज बना दिया जाए, पर उसमें ये निकल के आया कि 3 नंबर फाटक ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ अंडरब्रिज बनाया जाए। तो जो पहला फेज था, पहला जो था नगर निकाय वाला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया था और 13.5 करोड़ के करीब वो टेंडर लग चुके हैं। आप लोगों को पता है नगर पालिका में कुछ ही दिनों में खुलने वाले हैं, वो काम होगा। दूसरे जो काम थे इनके डिटेल प्रोजेक्ट बनी, विशेषकर ये पुल वाला बड़ा काम था, इनकी डिटेल बनी, सड़कों के प्रोजेक्ट बने और वो भी कल स्वीकृत हो गए। ये बहुत खुशी की बात है। हमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सुजानगढ़ शहर को इतनी बड़ी सौगात दी है कि कुछ सड़कें हैं और बाकी 2 ये बड़े पुल और अंडरब्रिज के काम हैं। सड़कें मैंने उस समय कम ही दी पाई थी, क्योंकि मैं बहुत कम गांवों में उस समय जा पाया था। जिन जिन गांवों में गया, जहां जहां डिमांड आई, वो सड़कें मैंने उनको लिखाई, वो स्वीकृत हुई हैं। बाकी हम वापस गांव में जा रहे हैं, नई जो डिमांड आ रही है हम उनको भी शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर भिजवाएंगे, पर अभी तक जो हमने भिजवाई अक्षरतः वो आ गई हैं स्वीकृतियाँ। टीकर नोखा सड़क स्टेट हाईवे 20 जो ये है अपना, उसमें OOB निर्माण, इसके लिए कुल 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें से लगभग राशि 20 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा वहन किए जाएगी और राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 45 करोड़ रुपए। दूसरा
फाटक नंबर अभी 3 प्रस्तावित किया है उन्होंने सुजानगढ़ में रेलवे अंडरब्रिज के लिए, उसके लिए 3 करोड़ रुपए उन्हें स्वीकृत किए हैं। 30 करोड़ उनके गांव से चरला की एक रोड का था जो स्वीकृत होना था, पर मंत्री जी के बीमार होने की वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया था, उन्होंने नोट कराया था, और वो करीब 6 किलोमीटर की रोड है, उसके 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। ये है लोहारा से चरला तक नवीन सड़क का कार्य। 31 जनवरी को भाटी जी अपने प्रभारी मंत्री आए थे, आपको याद होगा, सुजानगढ़ भी आए थे, यहाँ एक जलाशय का लोकार्पण शिलान्यास करके गए थे। वो उसके साथ वो मेरे साथ एक गांव में भीमसर गए थे उस दिन प्रोग्राम में। वहाँ एक सड़क पहले बनी हुई थी, मंत्री जी ने बनाई थी, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। वहीं शाम को एक धन्यवाद सभा रखी थी, उसमें पूरा गांव इकट्ठा था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि हमें भीमसर से तमरा, उधर जो हाईवे आ रहा है गनेडी से जो जा रहा है, उस हाईवे को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर की एक सड़क है, वो उसकी घोषणा करें। मैंने वो उस घोषणा उस दिन उन्होंने कर दी थी मंत्री जी सामने कि मैं मिलके आपका ये प्रयास करूँगा, घोषणा नहीं की थी, पर वो भी मैंने जो भिजवाई वो भी भीमसर से तमरा तक हाईवे तक वो सड़क निर्माण की स्वीकृति आ गई। 5 किलोमीटर सड़क है, 1.25 करोड़ रुपये उसके स्वीकृत हुए। लोहारा वाली के 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। एक मेरे शोभासर गांव का मीटर था कि वो रोड निकल रही थी, वहाँ सिर्फ एक 600 मीटर कोई गौशाला की उधर बननी थी सड़क, वो पहले पंचायत चुनाव के दौरान ही आई हुई थी कि वो एक 600 मीटर का टुकड़ा बनना है, वो दिया था, वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, 36 लाख रुपये उसके स्वीकृत हुए। एक हम कि कोडासर विधावता से सुरजाराम जी मेघवाल की जो ढाणी है उससे होते हुए घंटियाल बड़ी तक कच्चा रास्ता था, उस पर रोड बनानी है, वो भी 6-7 किलोमीटर की, 7-1 किलोमीटर की थी है, वो भी मैंने कहा था उस समय उनको कि मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव के बाद जब भी मौका मिलेगा, परंतु चुनाव से पहले ये स्वीकृत हो गई है, 1.75 करोड़ की ये रोड स्वीकृत हुई है, जो हमने वहाँ उनको ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, वो स्वीकार हो गए हैं, वित्तीय स्वीकृतियाँ उनकी। काम एक बता दिया मैंने आप, 65 करोड़ रुपये का ये ओवरब्रिज और 3 करोड़ रुपये का अंडरब्रिज, ये कुल इतने बड़े कार्य अभी एक साथ एक लिस्ट में स्वीकृत हुए हैं सुजानगढ़ के लिए। और जो करीब 13.5 करोड़ रुपये वो पहले ही स्वीकृत हो गए थे, करीब 1.25 महीने हो चुके, नगर पालिका चुनाव से जस्ट पहले स्वीकृत हुए थे, टेंडर हो गए थे, लेकिन वो टेंडर नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई इसलिए वो रुके हुए पड़े हैं। अब चुनाव घोषित हो गए, अभी जो ही अपनी सभापति जी ने कार्यभार परसों संभाला था उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और शायद 5 या 7 दिनों में खुल जाएंगे वो टेंडर। 18 तारीख को टेंडर खुल रहे हैं और वो जल्दी ही शहर में, हर शहर में के हर गली में लगभग हमने ली है, जो बची हुई सड़कें हैं या आउटर वार्ड हैं वो बचे हुए हमने लिए हैं, सारे वो काम लिए हैं, ये इतने कार्य हमने अभी सुबह आदमी। हमारा भी ध्येय तो यही है कि सुजानगढ़ का विकास हो, सुजानगढ़ को नई सौगातें मिले, सुजानगढ़ के विकास के लिए जैसे हमने कहा था कि हम अपनी तरह से पूरा प्रयत्न करें, विकास कैसे भी हो विकास होना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई आलोचना नहीं हो चाहिए, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, विकास के काम में न तो रोड़ा आना चाहिए न ही उसकी कोई आलोचना होनी चाहिए। आप हम सब के लिए गौरव की बात है, ये अच्छा विकास करो, आप सब मिलकर पत्रकार मीडिया और साथ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब मिलकर हमारा सहयोग कीजिए, ये बहुत बड़ी सौगात है सुजानगढ़ की, मतलब बहुत आमदनी की समस्या थी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मनोज जी मेघवाल के माध्यम से जो विकास के जो परचम ले रहे हैं हम सब के लिए एक सौगात की बात है। और तेरा नीलोफर सभापति महोदय द्वारा जो टेंडर जारी किए वो भी जल्दी टेंडर खुलने वाला है, और आप सब मिलकर हम सब मिलकर सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सुजानगढ़ के विकास को यही अग्रसर काम करते रहेंगे। अच्छा। Thank you.